शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उन्होंने अरबों रुपए के असासे 10 भैंसों का दूध बेचकर बनाए हैं। फिर जब अगली पेशी पर नैब की तरफ से पूछा गया कि सिर्फ 10 भैंसों के दूध से इतने असासे कैसे बन सकते हैं, तो वो फरमाते हैं कि मेरा सिर्फ दूध का कारोबार नहीं है, मैं कट्टे, मुर्गियां और अंडे भी फरोख्त करता हूँ। शहबाज शरीफ लगता है कि पेशियों पर नैब को सवालात के जवाब देने नहीं बल्कि हंसाने और हैरान करने जाते हैं। फर्ज करें कि शहबाज शरीफ साहब अंडे, मुर्गियों और कट्टों का कारोबार करते हैं, तो जब मौजूदा हुकूमत ने ये कारोबार गरीब आवाम को शुरू करवाए तो नून लीग वालों ने क्या कहा कि बात पर आकर अंडे, मुर्गी और कट्टे पर रह जाएगी। साहब स्पीकर, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दिया, वो दिया ही दिया, तो बकरियां, मुर्गियां और कट्टे। और आज शहबाज शरीफ साहब इन्हीं कट्टों, मुर्गियों के पीछे छुप रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जिस तरह मौजूदा हुकूमत के गरीब आवाम के लिए शुरू किए गए प्रोग्रामों के बारी बारी पेशियों पर नाम ले रहे हैं, अब अगली पेशी पर ये ना कह दें कि लंदन फ्लैट्स असल में एक पनाहगाह है, जिधर वो गरीब लोग जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, और वो लोग रहते हैं जिनको उनकी औलाद मुलाजमत पर तो रख लेती है मगर तनख्वाह नहीं देती।